और कमोडिटी सुपर फास्ट में सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की पांच अहम खबरें कौन कौन सी हैं। पहली खबर यह है कि क्रूड की कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $64 प्रति बैरल के ऊपर है। WTI क्रूड का भाव $57 के ऊपर है। MCX पर कच्चा तेल 3900 के ऊपर है और करीब करीब 0.25% की मजबूती है MCX पर क्रूड में। इसके अलावा अगर बात करें गोल्ड और सिल्वर की तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है, और जो अभी हमने आपको बताया कि फेड का फैसला आना है उस पर दुनिया भर के मार्केट की नज़रें निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या आउटकम आएगा। और उससे पहले गोल्ड का मार्केट बिल्कुल दायरे में है, 34,715 ये गोल्ड का ताज़ा लेवल है इस वक्त का MCX पर। बात सिल्वर की करें तो वहाँ पर भी एक रेंज का ही ट्रेड है, फेड के फैसले से पहले मार्केट यहां पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही करता हुआ दिख रहा है। अब बात एग्री मार्केट की, एग्री में हल्दी वायदा में आज भी गिरावट है, कल की गिरावट आज भी जारी है। दो दिन में करीब 3% तक दाम यहां पर टूट चुके हैं। इंट्राडे में भाव करीब 1% रुका है, और ईरान पर US के प्रतिबंध से एक्सपोर्ट मांग कमज़ोर है। ईरान भारत का सबसे बड़ा हल्दी का इम्पोर्टर है। कॉटन सीड केक की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी तेज़ी लौटी है, इस वक्त 3200 के ऊपर है। वायदा बाज़ार में कॉटन सीड केक का भाव करीब करीब 3% की मजबूती, हाजिर बाज़ार में मांग अच्छी है, उत्पादक क्षेत्रों से सप्लाई में कमी है। पांचवी महत्वपूर्ण खबर यह है कि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि त्योहारों के दौरान दाल और तेल के दाम बढ़ सकते हैं डिमांड बढ़ने से, और ऐसा माना जा रहा है कि डिमांड भी यहां पर बढ़ेगी। चने की मांग 5% बढ़ सकती है, और कीमतों में अगर ओवरऑल खाने के तेल, चने और ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो 5-15% तक की तेज़ी दिख सकती है। तो ये पांच अहम खबरें, लेकिन अब बात होगी पांच ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव कपूर, ट्रस्टलाइन के कमोडिटी हेड। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहला सवाल गोल्ड पर, क्रूड पर जानना चाहूँगा। क्रूड में एक बार ठीक ठाक तेजी फिर से बनती हुई दिख रही है, क्या ये मोमेंटम मार्केट का अभी कंटिन्यू रहने वाला है? जी मृत्युंजय जी, देखिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद भी क्रूड का दाम जो है नीचे नहीं फिसला, और मुझे लगता है कि बाज़ार जिस तरह से कल 3900 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हुआ है, मुझे लगता है बाज़ार 4000 की तरफ चल पड़ा है। मेरी राय में बाज़ार में लेकर चलेंगे तो ज़्यादा चांसेज हैं क्रूड में पैसा बनाने के आज के दिन में। हालांकि बाज़ार थोड़ा हमारे रेट से ऊपर आ गया है, बट फिर भी मैं कहूँगा अभी भी मौका है, 3950 पर भी खरीद सकते हैं, और 3990 4000 तक के टारगेट इसमें शाम के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर को लेकर क्या आउटलुक है आपका? चांदी का मार्केट भी फेड के ऐलान से पहले एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, आपके हिसाब से चांदी में भी क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, देखिए जिस तरह से गोल्ड में हमने 35,400 से और बाज़ार जो आज एक महत्वपूर्ण सपोर्ट को टेस्ट किया है 34,650 का, उतनी गिरावट सिल्वर के दाम में नहीं देखने को मिली। 41,000 एक बहुत मजबूत सपोर्ट पकड़ के बैठा है सिल्वर, तो मेरी राय में मुझे ऐसा समझ में आता है कि बाज़ार एक सपोर्ट पकड़ा है तो यहाँ से एक रिकवरी दिखा सकता है, और रिकवरी थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि हमने टारगेट 450 का दिया है कंजर्वेटिव व्यू लेकर, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से बाज़ार ने रफ्तार पकड़ी है चांदी की, चांदी शाम के सत्र में 41,600 तक भी जा सकता है, तो खरीदारी करके चलें, थोड़ा करेक्शन का जरूर वेट करें। बाज़ार अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है। अगर 41,300 के आसपास भी है यहाँ से 70-80 रुपये नीचे, वहाँ खरीदें, स्टॉप लॉस 41,080 का रखें, और टारगेट को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, 41,550-600 का रख लें। लेड पर आपका क्या व्यू है? लेड में अगर अभी ट्रेड करना हो तो क्या सेल करें या बाय? लेड मुझे लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट, और मेरी राय में 155-50 पर बेचने का स्तर रहेगा, और 156.50 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 153 का टारगेट। ठीक है, चना वायदा क्या अभी बिकवाली के लिहाज से आपको ठीक दिख रहा है शॉर्ट करने के लिहाज से? मृत्युंजय जी, जो देखिए बिल्कुल आपने ठीक दिखाया, पहले त्योहारी मांग तो बढ़ेंगी आने वाले समय में, बट अभी जो टेक्निकली जो चार्ट्स में जो पिक्चर निकल के आ रही है उसमें लगता है कि बाज़ार यहाँ से 40-50 रुपए पहले नीचे दे सकता है, तो उसको देखते हुए 4300 के आसपास बिकवाली करके चलें, 4340 से ऊपर का स्टॉप लॉस रखें और 4250 के आसपास का टारगेट रखें। कोरिएंडर पर आपका व्यू क्या है, बाय या सेल? कोरिएंडर में सेल करके चलें, बाज़ार 6200 से अच्छी रिकवरी दिया है,
6440 अच्छे स्तर रहेंगे सेलिंग के लिए, 6490 का स्टॉप लॉस रखें और 6350 का टारगेट रखें। ठीक है, और पहला सवाल है कैलाश का सदलपुर से, पूछिए कैलाश। सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून, पूछिए। सर ऐसा है, मैंने पहले तो 439.90 में कॉपर बेचते थे, ठीक है, तब आप लोगों ने टारगेट दिया था 32 रूपए का, फिर जब आपने दिया 417, तब मैंने प्लस कर लिए, अब दोनों तरफ मार लग रही है, कैसे क्या करें? अभी अभी आपने प्लस किस भाव पर किया है? प्लस 60.80 रूपए में किए थे, फिर 460.80 में। हाँ। क्या करना चाहिए राजीव जी इनको? बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 444-445 का, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और जहां रिकवरी में 455 के आसपास आए वहां एक बार एग्जिट करें। 460 बहुत ही इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है। देखिए जब तक बाजार 460 के ऊपर लगातार 4-5 दिन व्यापार नहीं करता, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि बाजार ने और रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। तो एडवाइस ये होगा जहाँ बाउंस बैक में 55 मिले वहाँ निकल जाएं, या 444 के नीचे चले तब अपना स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है, अगला सवाल है सुहास का महाराष्ट्र से, पूछिए सुहास। सर कॉटन सीड ऑयल केक में, जी कॉटन सीड ऑयल केक में क्या लग रहा है आपको? अभी जो सितंबर का जो भाव है वो अभी आज 70-80 रुपए ऊपर है। कॉटन से ऑयल केक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, बड़ी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है, अब तो भाव 3200 के भी ऊपर चला गया। राजीव जी ऐसा क्या हो गया कॉटन सीड केक में कि लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं? देखिए मिथुन जी, इसकी मांग फिजिकल मार्केट में काफ़ी अच्छा है और उस हिसाब से सप्लाई नहीं है, जिसके रहते हुए बाजार इतना ऊपर आया है। मुझे लगता है बाजार और थोड़ा ऊपर जा सकता है, हालांकि काफ़ी ओवरबॉट सिचुएशन में है बाजार इस समय, तो बहुत अग्रेसिव बाइंग तो नहीं करना चाहिए, बट यहाँ से ऐसा लगता है कि और बाज़ार यहाँ से 70-80 रुपये और चढ़ सकता है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम, सितंबर शायद थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसे प्राइस कर सकते हैं व्यूअर हमारे, तो यहाँ से 3300-3320 लगता है, बट बहुत अग्रेसिव बाइंग की एडवाइस नहीं है, बाज़ार ऑलरेडी काफ़ी ओवर प्राइस लगता है मुझे एक बार यहाँ। अगला सवाल है दीपक का जोधपुर से, पूछिए दीपक। हाँ सर, एमजी बाई है मेरे 3 लॉट 153 रुपए से। 153 में 3 लॉट बाई किया है आपने? जी। ओके, अभी मार्केट है 147.60 रुपए के स्तर पर, करीब 1.5 रुपए की तेजी है, क्या करें राजीव जी? मिथुन जी, काफ़ी ओवरसोल्ड काउंटर लग रहा है, एक बार ये जिस तरह की रिकवरी दिखाई है और कंटिन्यू कर सकती है, बाजार एक बार 150-151 तक और रिकवरी दिखा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म थोड़ा बेयरिश ही दिखता है, अभी बाजार बहुत और भी नीचे जा सकता है, मतलब 140 का स्तर भी छू सकता है। एडवाइजेबल ये होगा कि जहां 151 के आसपास जो रिकवरी देखने को मिले वहां पर ही अपना लॉस ले लें, थोड़ा लॉस कम हो जाएगा उस लेवल पर, और प्लस पोजीशन से एग्जिट करें। ठीक है, राहुल हैं हमारे साथ नागौर से, पूछिए राहुल। सर क्रूड में ताज़ा स्थिति में क्या करना चाहिए अभी? क्रूड में अभी क्या करना चाहिए? ओके, अभी भाव है 3956 के स्तर पर, 50 रुपए से ज़्यादा की तेज़ी है, क्या करें राजीव जी क्रूड में अभी? मिथुन जी, थोड़ा कॉल हमारा नीचे के रेट पे लेने का था, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, 3950-45 आए वहाँ खरीदारी करें, 3920 का स्टॉप लॉस कर लें और टारगेट 3990-4000 का रखें, बाइंग करके चलें। प्रकाश है मुजफ्फरपुर से, पूछिए ओम प्रकाश। गुड इवनिंग सर, मेरा जिंक सेल है 194.70 रुपए पर, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 194.70 पर सेल है अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट जिंक में, अभी भाव है 191, क्या करना चाहिए राजीव जी? आई थिंक अगस्त कॉन्ट्रैक्ट शायद 94 के आसपास ही ट्रेड कर रहा होगा, एडवाइजेबल होगा 96 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और ओवरऑल ट्रेंड जिंक का ख़राब है, वेट करें, नीचे आने के चांसेस हैं, प्रॉफिट मिल सकता है, 96 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, ये राय आपके लिए है, और अगला सवाल है रजनीश का, पूछिए। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे अगस्त के लॉट के गोल्ड आज इंटरडे में सेल कर दिए 405 रुपए पर, मैंने लो पर 405 पे क्या सेल किया आपने? 5 लॉट अगस्त का गोल्ड सर, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वाले गोल्ड। अच्छा गोल्ड का 34,000। कॉपर बाइंग है सर 453.5 लॉट। क्या करना चाहिए राजीव जी दोनों में, गोल्ड में और कॉपर में अभी? गोल्ड 405 पर, गोल्ड का लो आई थिंक 600 कुछ का है शायद मेरे ख्याल से। देखिए गोल्ड में शॉर्ट ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है गोल्ड का 34,650 का,
शॉर्ट अगर 705 पे किया तो निकल जाएं, और बाइंग कर सकते हैं 600 के स्टॉप लॉस से गोल्ड में, गोल्ड ऊपर जा सकता है। कॉपर का क्वेश्चन मैं शायद नहीं सुन पाया, प्लीज मृत्युंजय जी बता दीजिए। कॉपर 453 पर बाई किया है। अच्छा, 444 का स्टॉप लॉस रखें इसमें और बाउंस बैक पे निकल जाएं। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग नहीं है कॉपर का, तो 452-453 जो बाउंस बैक मिले उसमें निकल जाएं। अगला आप सवाल है संजीव का अमृतसर से, पूछिए संजीव। सर निकल और सिल्वर में अभी इंट्राडे करना चाहिए किसी टाइम? निकल में और सिल्वर में आप कह रहे हैं कि इंट्राडे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल इंट्राडे के लिए राजीव जी क्या व्यू है आपका निकल और सिल्वर के ऊपर? मृत्युंजय जी सिल्वर में अभी राय दिया है हमने बाइंग की, 41,300 के आसपास बाइंग करके चलें, 41,080 का स्टॉप लॉस रखें, 41,550 का टारगेट रखें। निकिल में देखिए कल जिस तरह से उछाल आया था बाजार, 1,007 से रेसिस्टेंस पकड़े हुए है, तो निकिल में अभी मैं कोई ट्रेड एडवाइस नहीं करूँगा जब तक बाजार 1,010 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है। 1,010 एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस जोन है, बाजार उसके ऊपर चले तो बाइंग करके चलें, अभी शॉर्ट एडवाइजेबल नहीं है निकिल में। अगला सवाल है किशन का बीकानेर से, पूछिए किशन। सर मेरा सवाल ग्वार पे है, ग्वार का भी कोई भविष्य सुधरेगा क्या कभी? ग्वार का फ्यूचर अभी ठीक रहेगा क्या? आज तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, कहीं से कोई एक्शन नहीं है, क्या आउटलुक है आपका राजीव जी ग्वार पर? थोड़ा सा मृत्युंजय यहाँ से बाउंस बैक दिखता है, एक बार बाजार 4,270-4,280 तक जा सकता है ऊपर में, इतना अभी नियर टर्म में 2-4 दिन के सेशन में लगता है बाजार में आते हुए। ओवरऑल बाजार एक कंसोलिडेशन फेस में, 4,100 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है जहाँ से बाजार आई थिंक 8-10 बार वहाँ से रिकवरी दिया है, तो जब तक बाजार उस सपोर्ट के नीचे नहीं जाता है वीक नहीं लगता है, बट खरीदारी के लिए 4,150 ओवरऑल अच्छा लगता है, 4,350-4,450 के लिए स्टॉप लॉस 4,100 के नीचे का रखना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपके लिए ग्वार पर है कि ग्वार में अभी आपको करना क्या है। आलिम है हमारे साथ शिकारपुर से, पूछिए आलिम। हेलो सर, आज सिल्वर में इंट्राडे में क्या करें? आज चांदी में इंट्राडे में क्या करें? 41,360 का लेवल है, 165 रुपए की मजबूती है इस वक्त चांदी में, क्या करें राजीव जी? आलिम जी को 41,300 पे बाइंग की सलाह है, 41,080 का स्टॉप लॉस, 41,550, 41,600 का टारगेट। आशीष हैं हमारे साथ, पूछिए आशीष। दुतिंदर जी नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। एनजी पोजिशनल बाय करना है, कौन से लेवल पे अच्छा रहेगा? एनजी? हाँ जी, एनजी आपको बाय करना है, आप जानना चाहते हैं कौन सा लेवल ठीक रहेगा? ये लेवल ठीक है राजीव जी, अभी जो लेवल हम देख पा रहे हैं एनजी का बाइंग के लिहाज से, या फिर थोड़ा और नीचे आए तब? नहीं मृत्युंजय जी, मुझे अभी इस लेवल पे लगता नहीं है एनजी बाय के लिए सही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है बाजार बॉटम आउट होगा अराउंड 130-125 के आसपास, तो थोड़ा भी इंतज़ार करें, एनजी में नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बढ़ने के मुकाबले, और 160 के ऊपर अगर बाज़ार सस्टेन करेगा तभी मैं मानूंगा कि बाज़ार एक बार बॉटम आउट हुआ है और रिकवरी दिखा सकता है। तो फिलहाल अभी एनजी में वेट करें, या तो 160 के ऊपर चले तभी बाइंग करें, या 125-30 के आसपास है तब बाइंग करें। सचिन है हमारे साथ बुलढाणा से, पूछिए सचिन। सर मेरा सोयाबीन पर सवाल है। जी, मैंने सोयाबीन 3600 रुपए से 2 लॉट बाय की हुए अगस्त क्वांटिटी, क्या करना चाहिए सर? 3600 पे 2 लॉट बाय किया आपने? हाँ सर। ओके, और एक सर मेरा कुकुडन पे सवाल है। किस पर? कुकुडन। नहीं, 3600 पर सोयाबीन बाय किया आपने, ठीक है, और कुकुड़ में क्या सवाल है? कुकुड़न में सर मैंने 3000 रुपए पर बाय किया, सेल किया हुआ है। 3000 पर सेल किया है कॉटन सीड केक, यही सवाल है ना आपका? ठीक है, 3600 पर बाइंग है सोयाबीन इनकी और राजीव जी, और 3000 पर कॉटन सीड केक सेल है, क्या करना चाहिए? देखिए कॉटन ऑयल सीड केक थोड़ा ओवरबॉट तो दिख रहा है, बट स्टिल हम ये एडवाइस नहीं करेंगे जब तक बाजार एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में उसे शॉर्ट करके चलें, तो कॉटन ऑयल सीड केक में 3330 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और सोयाबीन में 3600 पे इनकी खरीदारी है तो 3620-20 के आसपास ये बाइंग में से निकल जाएं। ओवरऑल जो सोयाबीन का काउंटर है ओवरऑल वीक लगता है, ऐसा लगता है बाजार धीरे धीरे नीचे के स्तर छूने के ज़्यादा चांसेस लगते हैं ऊपर के मुकाबले। चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।